Assalamu alaikum guys, Muharram. The first thing that comes in our mind is Imam Hussein ki shahadat, which makes everyone of us sad, chahe aap koi bhi sect ke ho, koi bhi firqe ke. Kaise hum sawab kama sakte hain ye mahine mein? Huzur Ikram sallallahu alaihi wasallam ne farmaya hai ke jo insaan 10 मुहर्रम या अशूरे के दिन रोज़ा रखेगा, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला उसके पिछले साल के गुनाह माफ़ कर देंगे. इट्स अ बम्पर ऑफ़र. 10वें मुहर्रम को रोज़ा रखो, पिछले साल के गुनाह माफ़ करवाओ. सेकेंड क्वेश्चन, क्या सिर्फ 10th मुहर्रम को रोज़ा रखना है? हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले आए थे, उन्होंने देखा यहूदियों को 10th मुहर्रम को रोज़ा रखते हुए, क्योंकि इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया गया था. हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया कि हम तो मूसा अलैहिस्सलाम से इन लोगों से ज़्यादा करीब हैं, वी आर मोर क्लोज़र टू हिम दैन दीज पीपल. सो हम भी रखेंगे रोज़ा, बट क्योंकि हम उनसे अलग हैं तो हम 2 दिन रखेंगे रोज़ा अगले साल से. बट हुजूर अनफॉर्चुनेटली पर्दा कर गए और नहीं हो पाया इस नियत से. और क्योंकि हम यहूदियों से अलग हैं, सिंस वी कैन नॉट कॉपी समवन, तो हम रखेंगे 2 दिन रोज़ा, दैट इज 9th ऑफ मुहर्रम एंड 10th मुहर्रम. यहाँ मैंने डेट्स लिख दी है एज पर सऊदी अरेबिया एंड एज पर इंडिया. एज यू कैन सी, रोज़ा रखो बम्पर ऑफर है, सवाब कमाओ. दुआ में याद. अस्सलामु अलैकुम.